गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग? होप सब फैंटास्टिक होंगे। धीरज हेयर और मैं फिर पूरी तरह से तैयार हूँ कि नेक्स्ट रोड ट्रिप के लिए। तो मैं कहाँ जाने वाला हूँ ये तो आपने वीडियो के टाइटल से पता कर ही लिया हुआ, और फिर भी आपको बता देता हूँ कि मैं जाने वाला हूँ पुंडीचेरी। और मैं पुंडीचेरी जाऊँगा बैंगलोर से वाया महाबलीपुरम होते हुए। पुंडीचेरी जाने के लिए 2 या 3 रूट से बैंगलोर के लिए, बट जो मैं फॉलो करने वाला हूँ ये लॉन्गेस्ट रूट है। बट मुझे महाबलीपुरम भी एक्सप्लोर करना है, तो मैंने ये अपनी ट्रिप में ऐड किया हुआ है। तो मुझको बड़ा मज़ा आने वाला है ट्रिप में। अराउंड 800 किलोमीटर की ट्रिप है जो मैं सोलो कवर करूँगा, और 3 दिन है मेरे पास ट्रिप को कम्प्लीट करने के लिए। तो मैं इस समय करंटली यहाँ पे खड़ा हूँ, ये नेशनल हाईवे 48 है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये मुझे यहाँ से होसूर लेके जाएगा, होसूर से मैं कृष्णागिरी आऊँगा, वहाँ से वेल्लोर, फिर कांचीपुरम और फिर महाबलीपुरम, और फिर वो मैं वहाँ से पहुँचूँगा पुंडीचेरी। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, आपको बड़ा मज़ा आने वाला है मेरे साथ। तो सुबह के बज गए हैं अराउंड 5:50 और महाबलीपुरम जाने का टाइम हो गया है, तो लेट्स गो टू महाबलीपुरम। तो पुंडीचेरी जाने के लिए मैंने ये बाइक किराए पे ली है बेंगलुरु में, जैसा कि आप देख रहे हैं एवेंजर 220, और पूरे महीने के लिए मैंने किराए पे ली है। तो मैं इसी में ट्रैवल करने वाला हूँ, बहुत सारी डेस्टिनेशन हैं बेंगलुरु से आसपास जो मैं कवर करूँगा इसी बाइक पे। ओके सो लेट्स राइड। तो होसूर क्रॉस करने के बाद मैं कृष्णागिरी पहुंच चुका हूं, इसके बाद मैं वेल्लोर की तरफ जाऊंगा। अभी मैं नेशनल हाईवे 44 फॉलो कर रहा हूं। तो जैसा कि मैं वेल्लोर की तरफ जा रहा हूं, और अभी तक तो मैंने बिल्कुल स्ट्रेट हाईवे फॉलो किया था, पर थोड़ा सा आगे आके देखेंगे कृष्णागिरी से आगे आके। इस हाईवे पर एक रोड ऊपर को जाती है और एक रोड नीचे को, तो आपको नीचे वाली रोड फॉलो करनी है। और अभी मैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, जस्ट डाइवर्जन पर ही यहाँ पर होटल है, तो आप यहाँ ब्रेकफास्ट कर सकते हैं और फिर वेल्लोर की ओर चलेंगे। गिरी से निकलते हुए आपको चेन्नई वाला रूट फॉलो करना है अगर आप महाबलीपुरम की तरफ जा रहे हैं, और उसके बाद उसी रूट पे वेल्लोर है। आप सलेम वाला रूट मत फॉलो कीजिएगा, और मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको मुड़ना कहाँ से है। बाकी ये नेशनल हाईवे 48 आ गया है, और मैंने नेशनल हाईवे 44 छोड़ दिया है, और इसी रूट में वेल्लोर की ओर आगे बढ़ूँगा। बहुत खूबसूरत ये सफ़र, सामने का नज़ारा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपने पहाड़ों की तरफ जा रहा हूँ। हाईवे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, वेल मेंटेन्ड है, पॉट होल्स मुझे कहीं पे दिखे नहीं अभी। तो हेलो एवरीवन, मैं फाइनली महाबलीपुरम पहुंच चुका हूँ। बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स लिए, कांचीपुरम तक तो मैंने हाईवे फॉलो किया, बट उसके बाद कांचीपुरम से महाबलीपुरम आने तक मुझे बहुत दिक्कत हुई है। और मैं सुबह 6 बजे चला था और शाम को 4 बजे यहाँ पे पहुँचा हूँ। सरप्राइज यहाँ पहुँच के जो मुझे हुआ है वो ये है कि लोग, जिसे मैं महाबलीपुरम बोल रहा था उसे लोग मम्मालापुरम बोलते हैं, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है। और ये महाबलीपुरम का टूरिस्ट ऑफिस सेंटर है, तो फॉरनर्स है वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं बेसिकली, और सामने महाबलीपुरम की मार्केट है। सो महाबलीपुरम में पहुँच के जो होटल में स्टे करने वाला हूँ उसका नाम है होटल पल्लवा डायनेस्टी कंफर्ट कॉटेजेस। यह है होटल का एरिया, ये होटल कम रिजॉर्ट काइंड ऑफ है, स्विमिंग पूल भी है इसमें, तो शाम को आज स्विमिंग पूल का मजा लिया जाएगा। ये रहा रूम, अच्छा दिख रहा है। तो ये है रूम, इसकी ओरिजिनल कॉस्ट तो अराउंड 2500 है, बट अभी ऑफ सीजन है तो मैंने इसके लिए जस्ट 1500 पे किए हैं फॉर अ नाइट।